कक्षा 9 गणित यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसका पहला पार्ट हो चुका है, ए बी डी सरगम सम है ए सी डी के। अब दिखाना है सेकेंड पार्ट में हमको ए बी पी ये त्रिभुज सरगम सम है ए सी पी के, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के सरगम सम है, ये हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में एक तो ये वाला त्रिभुज ले लो और एक ये वाला त्रिभुज, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ए बी बराबर ए सी, ये एक साइड होगी। ये ए पी उभयनिष्ठ होगा, बीच की है, यानी इस वाले त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। ए बी पी में ए पी है, ए पी सी यानी कि ए सी पी में भी ए पी है, ए पी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन साइड जो होती है उसको कहेंगे साइड। अब देखिएगा, यानी कि ये पी जो गिरा है यहाँ पे, ये कोण जितना होगा उतना कोण ये भी होगा, यानी इस साइड पे गिरा हुआ कोण है, यानी 90-90 होगा। एंड कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी बराबर इक्वल होगा 90 होगा, ये होगा एंगल। तो ये होगा एस ए एस सरगम सम, ये सरगम सम हो जाएंगे। तो यानी कि जो हमें प्रूफ करना था ए बी पी सरगम सम में ए सी पी के, सेकंड पार्ट ओके हो चुका है। तो बस सरगम सम आ गया, तो इतना लिखना बाकी है, यानी कि त्रिभुज ए बी पी सरगम सम है त्रिभुज ए सी पी के। दो पार्ट हमारे हो चुके हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट में कहा है कि ए पी जो है इस कोण ए को समद्विभाजित करता है और कोण डी को भी समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये हमें दिखाना है कि इसको भी बांट रहा है और इसको भी दो भागों में बांट रहा है। अब चलते हैं पार्ट थर्ड की ओर, दो पार्ट जैसे कि हो चुके हैं, पार्ट नंबर थर्ड। देखिएगा, पार्ट नंबर थर्ड कोई खास विशेष नहीं है, यानी कि ए पी लंब है बी सी पर, ए पी जो है यहाँ पे लंब है, यानी ये कोण के बराबर है। लंब है तो क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये भाग इस भाग के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि ए पी जो है त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका होगी, ए पी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका होगी, ये अगर इसकी माध्यिका है तो उसके दो बराबर भागों में बांट रही है। ए पी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है और इसे दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो यानी कि बी पी बराबर होगा पी सी, ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी, ठीक है। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सरगम सम आ ही चुका है, सरगम सम आया तो ये दूरी इस दूरी के बराबर है, सेकंड पार्ट में आ चुका है। अब बात करना, तो ये अगर ये इसके सरगम सम है, ये त्रिभुज इसके सरगम सम है, तो ये कोण इस कोण के भी बराबर होगा, है ना। तो एंगल बी ए पी यानी कि त्रिभुज ए बी पी सरगम सम में त्रिभुज ए पी सी के, ये सेकंड पार्ट में आ चुका है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो एंगल बी ए पी वाला कोण बराबर है सी ए पी यानी इस कोण के बराबर है, एंगल सी ए पी के। तो कैसा हो गया, इस कोण को बराबर भागों में बांट दिया। ऐसे ही अगर इस त्रिभुज की बात करें, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये इसमें भी है और इसमें भी है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये त्रिभुज भी सरगम सम हो जाएंगे, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी ए पी इसने इसको दो बराबर भागों में बांटा। इसी प्रकार ये त्रिभुज इसके सरगम सम होगा, क्यों होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, साइड बराबर आ गई, ये भुजा उभयनिष्ठ है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी कि ये भी साइड है। तो ऐसे ऐसे सरगम सम हो जाएंगे, तो सरगम सम होंगे तो इनके ये कोण इस कोण के बराबर होगा। मैं दिखा देता हूँ, त्रिभुज बी पी डी तथा त्रिभुज सी पी डी में, अब देखो ये बराबर ये, यानी कि बी पी बराबर सी पी, ये एक साइड है, डी पी जो है ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ एक साइड है, ये एक साइड है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी कि बी डी बराबर सी डी, ये एक साइड है। तो ये होंगे एस 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 सर्वांगसम, यानी कि त्रिभुज बी पी डी सरगम सम होंगे,
त्रिभुज सी पी डी के, सरगम हो जाएंगे, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो एंगल बी डी पी बराबर होगा एंगल सी डी पी के, ठीक है। तो अतः यानी एक लाइन ए पी ने इन दो कोणों को समद्विभाजित किया है ना, तो यही तो था। अतः ए पी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो दो भागों को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। अतः ए पी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है, ठीक, बराबर बराबर भागों में बांट रहा, ये भाग इस भाग के बराबर है और 90-90 गिर रहा, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, लंब समद्विभाजक कर रहा है। चौथा पार्ट है ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है, क्यों है, यानी कि बी पी बराबर पी सी है और एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए पी सी बराबर 90 है, तो इसलिए ये लंब भी है और बराबर भागों में ही बांटा है, तो क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा।